आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एबनॉर्मलिटी ऑफ प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, इसकी बात करते हैं क्या क्या एबनॉर्मलिटी आपको देखने को मिलेगी। हमने प्लेसेंटा पूरा पढ़ लिया, हमने अम्बिलिकल पूरा पढ़ लिया। उसके बाद एबनॉर्मलिटी ऑफ प्लेसेंटा में फर्स्ट है सक्सेंचुरेटा प्लेसेंटा, सक्सेंचुरेटा प्लेसेंटा क्या होता है, एक्स्ट्रा लोब या कोटलीडोन का फॉर्मेशन होता है। प्लेसेंटा का तो फॉर्मेशन है ही, साथ में उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा लोब का फॉर्मेशन हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा लोब, एक्स्ट्रा लोब जिनको आप कोटलीडोन बोलते हो, कोटलीडोन बोलते हो, ठीक है, कोटलीडोन बोलते हो, उनकी बात कर रहा हूं। एक्स्ट्रा एक भी हो सकता है, मे बी वन और मोर देन वन, एक या एक से ज्यादा लोब का फॉर्मेशन होना प्लेसेंटा के साथ, उसको क्या बोलते हो, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा सक्सिनचुरेटा या सक्सिनचुरेटा प्लेसेंटा। बेसिकली ये जो लोब होते हैं ये कोटलीडोन होते हैं, पार्ट ऑफ प्लेसेंटा होते हैं। बेसिकली ये कोटलीडोन वो स्ट्रक्चर है जिनसे पूरा प्लेसेंटा बना हुआ है, बेसिक मतलब स्ट्रक्चरल यूनिट है जिससे पूरा प्लेसेंटा बना हुआ है। ठीक है, और ये कोटलीडोन कैसे बनता है, स्टार्टिंग में बनती है प्राइमरी विलाई, फिर बनती है सेकेंडरी विलाई, फिर टर्सरी विलाई, टर्सरी विलाई को ही स्टेम विलाई बोलते हैं, और दो या दो से ज्यादा, दो से तीन स्टेम विलाई मिलके एक कोटलीडोन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और कब बनती है, क्वेश्चन आता है 13 डेज पे, 15 डेज पे। ए वस्कुलर होती है, वेसल्स की सप्लाई नहीं होती, ब्लड सप्लाई नहीं होती, ये वाली वस्कुलर होती है 21 डेज पे, 21 डेज से ही सप्लाई स्टार्ट होती है। प्लेसेंटो यूरेट्रल जो सप्लाई है, ब्लड सप्लाई जो है फीटस और प्लेसेंटा के बीच में सप्लाई होती है 21 डेज पे, क्योंकि वहां पे टर्सरी विलाई स्टेम विलाई का फॉर्मेशन होता है, और दो या दो से ज्यादा स्टेम विलाई मिलके एक कोटलीडोन बनाते हैं। एन एवरेज एक प्लेसेंटा के अंदर ये 60 होती है, 60 स्टेम विलाई आपको देखने को मिलती है। एन एवरेज 15 to 29 कोटलीडोन का फॉर्मेशन हो जाता है एक प्लेसेंटा के अंदर। वैसा ही एक या एक से ज्यादा ऐसे आपको लोब या कोटलीडोन देखने को मिले, उस एबनॉर्मलिटी को आप प्लेसेंटा सक्सिनचुरेटा या सक्सिनचुरेटा प्लेसेंटा कहते हैं। नेक्स्ट है प्लेसेंटा बाईपैराटाइट, प्लेसेंटा बाईपैराटाइट। इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए इस कंडीशन में क्या, दो प्लेसेंटा होती है, अगर आपको दो प्लेसेंटा देखने को मिले उस कंडीशन को बोलते हैं टू प्लेसेंटा। बेसिकली ये लार्ज लोब होते हैं जिनसे बनी हुई है, कंप्लीट लोब नहीं होते, इनकंप्लीट लोब होते हैं। दो प्लेसेंटा से मिलके बनेगा उस एबनॉर्मलिटी को बोलेंगे प्लेसेंटा बाईपैराटाइट। थर्ड को बात करें प्लेसेंटा ट्राईपैराटाइट, इसमें तीन हो जाते हैं भाई, इसमें तीन हो जाते हैं। अगर तीन प्लेसेंटा आपको देखने को मिलते हैं, तीन लार्ज लोब आपको देखने को मिलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं प्लेसेंटा ट्राईपैराटाइट। ठीक है, ये थे प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटी। और आगे चलते हैं प्लेसेंटल मेम्ब्रेनस, नेक्स्ट है प्लेसेंटल मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेन्स भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा का जो साइज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, प्लेसेंटा लार्ज हो जाती है, लार्ज प्लेसेंटा हो जाएगी बट थिन, थिन हो जाएगी,
इतनी थिन हो जाएगी कि कवर कर लेगी ऑल फिटस, इतनी पतली हो जाती है कि पूरे फिटस को कवर कर लेती है, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेन की तरह, मतलब पतली थिन थिन हो जाती है, थिन हो जाएगी साथ में लार्ज बड़ी हो जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी कि पूरे फिटस को कवर कर लेगी, इट मीन्स पूरी अम्ब्लाइकल, पूरी जो यूट्राइन कैविटी है उसको कवर कर लेती है, उसको आप क्या बोलते हो, प्लेसेंटा मेम्ब्रेन्स बोलते हो। नेक्स्ट बात करें इससे नेक्स्ट सरकम वेलेटा प्लेसेंटा, सरकम वेलेटा प्लेसेंटा, सरकम वेलेट प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा बेसिकली ऐसे है, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर है। अगर इसके जो साइड का पोर्शन है वो सर्कल हो जाए, घूम के ऊपर की तरफ राउंड हो जाए, फीटल की पार्ट ऐसे इस तरीके से हो जाए, तो यहां पे जो मेम्ब्रेन कवर कर रही है एमनियन कोरियन की, ये डबल हो जाएगी, ये एमनियन की कवरिंग है, ये कोरियन की कवरिंग है, ये डबल हो जाएगी, डबल कवरिंग देखने को मिलती है आपको एमनियन कोरियन की। तो क्या हो जाता है, मार्जिन्स जो है, मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा आर थिन, सॉरी थिक, थिक हो जाते हैं, एंड सेंटर इज थिन। देखो आपको क्या नजर आएगा, अब क्या होगा, साइडों से पेरिफेरी पोर्शन तो इसका मोटा हो गया, बीच से ये पतला हो गया, इस स्ट्रक्चर को आप बोलते हो सरकम वेलेट प्लेसेंटा, ठीक है। डबल एमनियन कोरियन की कवरिंग हो जाती है, डबल एमनियन कोरियन कवरिंग, ठीक है, साथ में पेरिफेरी, पेरिफेरी लिख देते हैं इसको, ज्यादा स्पेसिफिक वर्ड रहेगा, पेरिफेरी जो पार्ट है प्लेसेंटा का वो थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, क्योंकि डबल कवर होगा, सेंटर से नहीं हुआ, सेंटर में बच गया, तो सेंटर इज थिन, सेंटर में पतला रह जाएगा, इस कंडीशन को बोलते हैं सरकम वेलेटा प्लेसेंटा। यहां तक समझ में आया, इसके बाद है, इसके बाद है प्लेसेंटा मार्जिनेटा। नेक्स्ट है प्लेसेंटा मार्जिनेटा, इसमें क्या होता है, एक फाइब्रस रिंग प्रेजेंट हो जाती है प्लेसेंटा के चारों ओर, फाइब्रस रिंग प्रेजेंट हो जाती है, फाइब्रस रिंग प्रेजेंट एट मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा, और यहीं से ये जो ब्लड सप्लाई है ये यहीं पे आपको अपेयर देखने को मिलेगी, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वेयर ब्लड वेसल्स आर टर्मिनेट, जहां पे टर्मिनेट हुई है ब्लड वेसल्स उस पोर्शन में फाइब्रस रिंग आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है, मार्जिन के ऊपर फाइब्रस रिंग है, मार्जिन का मतलब होता है किनारा, किनारे के ऊपर फाइब्रस रिंग देखने को मिलती है, साथ में ब्लड वेसल्स भी यहीं टर्मिनेट होती है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्लेसेंटा मार्जिनेट। यहां तक क्लियर है, इसके बाद और कुछ अटैचमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एबनॉर्मलिटी ऑफ अटैचमेंट, एबनॉर्मलिटी कौन सी होगी, अटैचमेंट से रिलेटेड, ठीक है, अटैचमेंट कहां तक अटैच हुआ है उसके भी आप पे है, इसके लिए हमें स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, यह है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ठीक है, ये इसके बारे में, इसकी अटैचमेंट की एबनॉर्मलिटी क्या क्या है, देखो पहला नंबर है प्लेसेंटा एक्रिएटा, एक्रिएटा, प्लेसेंटा एक्रिएटा, प्लेसेंटा, एक मिनट रुको, प्लेसेंटा एक्रिएटा, प्लेसेंटा इनक्रिएटा, इनक्रिएटा, प्लेसेंटा परक्रिएटा, इनकी सीक्वेंस आपको ऐसे याद रखनी पड़ेगी,
AIP से याद रखना पड़ेगा, AIP, A ये है, फिर I आएगा, फिर P आएगा। वैसे अगर आप अल्फाबेटिकली भी देखोगे तो पहले A आता है, फिर I आता है, फिर P आता है। अगर प्लेसेंटा की बात करो तो प्लेसेंटा यहाँ पे अटैच होती है, देखिए प्लेसेंटा अटैच होती है इस स्ट्रक्चर पे और इसके मार्जिन्स निकले हुए होते हैं। अगर इसकी जो विलाइज हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो एंडोमेट्रियम तक तो नॉर्मली होती है। अगर एंडोमेट्रियम को क्रॉस कर जाए, एंडोमेट्रियम को क्रॉस कर जाए तो उसको तो बोलते हैं एक्रिएटा। क्या कंडीशन है? क्रॉस द एंडोमेट्रियम। अगर एंडोमेट्रियम को ब्लड वेसल्स या जो ब्लड वेसल या कोरियोनिक विलाई अगर कवर कर जाए, एंडोमेट्रियम के पार हो जाए, उससे नेक्स्ट मायोमेट्रियम के अंदर चली जाए, उसको तो बोलते हैं क्या? एक्रिएटा। अब इतना कवर हो जाए कि पूरी मायोमेट्रियम को कवर कर ले, उसको बोलते हैं इनक्रिएटा। इसमें क्या हुआ? कवर कंप्लीट मायोमेट्रियम, ठीक है। और थर्ड में परक्रिएटा, पर मतलब कंप्लीट, ठीक है, या पेरीमेट्रियम, ऐसे याद रखना। तीनों लेयर को कवर कर लेता है। अगर ये ब्लड वेसल्स तीनों लेयर को कवर कर ले, होल क्या किया इसने, पूरी की पूरी थिकनेस ऑफ कवर, होल थिकनेस ऑफ यूट्रस, यूट्रस की जितनी थिकनेस थी अगर उस सबको कवर कर ले, उसको बोलते हैं परक्रिएटा। भाई तीन कंडीशन अटैचमेंट से रिलेटेड, एक और आएगी इसके बाद पढ़ेंगे, प्लेसेंटा एक्रिएटा, प्लेसेंटा इनक्रिएटा, प्लेसेंटा परक्रिएटा, AIP, ऐसे याद रखना पड़ेगा। पहले देखो एंडोमेट्रियम में तो नॉर्मली होती है, एंडोमेट्रियम को क्रॉस कर जाए तो फर्स्ट, मायोमेट्रियम में कंप्लीट हो जाए तो सेकंड, और पर पेरीमेट्रियम तक भी चली जाए वो होगा थर्ड, कंप्लीट, ठीक है। अटैचमेंट की एक प्रॉब्लम हो रही है, यहां देख लेते हैं, आगे टॉपिक भी पढ़ेंगे इससे रिलेटेड। तो नाम है प्लेसेंटा प्रीविया। क्या नाम है? प्लेसेंटा प्रीविया। ये भी अटैचमेंट से ही रिलेटेड प्रॉब्लम है। क्या हो जाती है? प्लेसेंटा अटैच टू लोअर यूट्राइन सेगमेंट, यूट्राइन सेगमेंट समझना पड़ेगा। ये यूट्रस है, बेसिकली यूट्रस को दो भागों में बांटा गया है, अपर यूट्राइन सेगमेंट और लोअर यूट्राइन सेगमेंट। अगर मैं प्लेसेंटा के अटैचमेंट की बात करूं तो अपर सेगमेंट में होता है हमेशा, नॉर्मली कहां पे अटैच होता है? अपर सेगमेंट पे। अगर ये बाय मिस्टेक लोअर सेगमेंट में अटैच हो जाए, जो कि एबनॉर्मलिटी है, इसकी प्रॉब्लम है, उस कंडीशन को बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है भाई। ये सारे थे एबनॉर्मलिटी ऑफ प्लेसेंटा, आप सभी को समझ में आएंगे होंगे पूरे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखो, हम उनका एक्सप्लेनेशन और अच्छी तरीके से देंगे, ठीक है। इतना याद